New Hope TV, your encounter with God. 2 Timothy chapter 3, please. Dusra Timothy, teesra adhyay. Verse 16. 16va vachan. And give me the Amplified, please. Every scripture, sampurna pavitra shast, it says, is God breathed. असलिका परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया. This even man, God created man. देखिए जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, He breathed into man. और उसने मनुष्य में श्वास फूंक दी. And man became a living being. और मनुष्य जीवित प्राणी बन गया. In the same way. और उसी प्रकार से. The scripture. और वचन. Carries the breath of God. वचन परमेश्वर की श्वास को लिए चलता है. This word God breathed in the Hebrew. और यही वचन परमेश्वर ने हिब्रू में यानी हिब्रानी में लिखा है. हिब्रानी में वो कहता है नुमा नुमा मीनिंग नुमा स्पिरिट यानी आत्मा. हाउ मेनी लिसनिंग कितने जन सुन रहे हैं. सो ऑल स्क्रिप्चर इज गॉड ब्रीथ. इसलिए संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर का श्वास फूका हुआ है. इन अदर वर्ड्स इट सेज गिवन बाय हिज इंस्पिरेशन ऑल स्क्रिप्चर. एवरीवन से ऑल स्क्रिप्चर. सारे लोग बोले सारा पवित्र शास्त्र इज गिवन बाय व्हाट. किसके द्वारा दिया गया. परमेश्वर की प्रेरणा से दिया गया है. ओके okay? So it tells us how scripture, we got the scripture. और हमको कैसे ये वचन मिला इसके बारे में बताया गया है. Write this down. और इस बात को लिख लें. Now there are some things that you need to understand. What is the purpose of scripture? Why is scripture important? अब वचन इतना महत्वपूर्ण क्या है. वचन का उद्देश्य क्या है. इस बात को जानना जरूरी. पहली बात. Everyone say all scripture. और सब ने कहा संपूर्ण पवित्र शास्त्र. Is profitable. और लाभदायक है. That means there is profit in that. यानी उसमें लाभ है. God will never tell you to do something which is not profitable. परमेश्वर ऐसा कुछ करने के लिए नहीं बोलेगा जिसमें लाभ ना हो. Hello. सुन रहे हैं. God is a profit-making God. परमेश्वर लाभ को लाने वाला परमेश्वर है. He takes 4-5 loaves and 2 fish and he feeds 5,000. A profit. पांच रोटी और दो मछली को लेकर 5,000 को खिलाता है. He takes an empty net. और वो खाली जाल लाता लेता है. बैंक अकाउंट और खाली बैंक अकाउंट. एंड ही फिल्स अप टू बोट्स. हालेलुया. और दो नाव से भर देता है. हालेलुया. ही टेक्स बेसिक मनी ओपनिंग मनी. और वो बेसिक पैसा वो ओपनिंग मनी लेता है. गॉड इज अ प्रॉफिट मेकिंग गॉड. परमेश्वर लाभ को लाने वाला परमेश्वर. ही टेक्स अ सीड. हालेलुया. और वो बीज को लेता है. एंड ही पुल्स अप अ ट्री. और बड़े पेड़ को बनाता है. दैट्स अ प्रॉफिट मेकिंग गॉड. और वो लाभ को बनाने वाला परमेश्वर. स्क्रिप्चर. इसलिए वचन इज प्रॉफिटेबल. वो लाभदायक है. इवन गॉड गिव्स यू एन आइडिया. और परमेश्वर जो विचार आपको देता है. टेल अ नेबर. अपने बगल वाले से कहें डोंट फॉल फॉर गुड आइडियाज गो फॉर गॉड आइडियाज. अच्छे विचार में मत पड़ो. परमेश्वर के विचार में आ जाओ. यू सी टू पीपल गेट टुगेदर. देखिए दो लोग एक साथ होते हैं. एंड देन यू नो दे गुड फ्रेंड्स एंड दे टॉक आफ्टर चर्च. दे टॉक इन चर्च. अच्छे मित्र होते हैं. बाद में बात करते हैं. हम लोग ऐसा करेंगे वैसा करेंगे. दैट्स अ गुड आइडिया. और ये अच्छे विचार हैं. गुड आइडिया. अच्छे आइडिया है. बट गॉड वांट्स यू टू गो फॉर गॉड आइडिया. गॉड आइडिया विल नॉट फेल. परमेश्वर के विचार कभी भी चूकेंगे नहीं. व्हेन यू गेट दैट आइडिया फ्रॉम द लॉर्ड. परमेश्वर के से विचार के द्वारा सपने के द्वारा भविष्यवाणी के द्वारा. यू कांट मिस इट ब्रदर. आप उस बात से चूक नहीं सकते. यू विल वॉक ऑन वाटर. आप पानी पर चलोगे. ब्रदर आई फेल्ड. अरे भाई मैं तो चूक गया. गुड आइडियाज कैन फेल. और अच्छे विचार भी फेल हो जाते हैं. आर यू लिसनिंग. क्या आप सुन रहे हो. गुड आइडियाज कैन फेल. और अच्छे विचार भी नाकाम होते हैं. गॉड आइडिया. लेकिन परमेश्वर के विचार इवन इफ इट्स इन द ग्रेव. यदि वो कब्र में भी हो इट विल बी रेजरेक्टेड. तो वो पुनरुत्थित होंगे. हालेलुया. सर दिस इज द थिंग. और कलीसिया यही तो है. आपने परमेश्वर के बारे में सुना. स्पीक टू मी. और परमेश्वर मुझसे बात कर. यस्टरडे अ बिजनेसमैन केम टू मी. कल के दिन एक व्यवसायी मेरे पास आया. वन ऑफ माय फ्रेंड्स सिटिंग ओवर हियर. और मेरे एक मित्र यहां पर बैठे हुए हैं. एंड बोथ हस्बैंड एंड वाइफ. द हस्बैंड वाज इज अ सीईओ ऑफ अ कंपनी. ओह कंपनी के सीईओ. ऑफ अ सॉफ्टवेयर कंपनी. और सॉफ्टवेयर कंपनी के सीईओ है. इन पुणे. पुणे में. एंड हैंडसम गाय. और बहुत ही खूबसूरत वो जन है. टॉल. बहुत ही ऊंचे कद के. केम विद हिज बीएमडब्ल्यू. और बीएमडब्ल्यू में वो आए. एंड हिज वाइफ. और उनकी पत्नी. ब्यूटीफुल लुकिंग वुमन. बहुत ही प्यारी दिखने वाली. एक्स कतार एयरवेज एयर होस्टेस. और एयर होस्टेस वो थे. बेबी. और बहुत ही सुंदर बच्चा. एंड नाउ व्हाट डू यू प्रे फॉर सच पीपल. और ऐसे. व्हाट डू यू प्रे फॉर सच पीपल. और ऐसे लोगों के लिए आप क्या प्रार्थना करोगे. व्हाट डू यू प्रे. क्या प्रार्थना करोगे. गिव देम अ कार.
परमेश्वर आप उनको कार दो. They already have a car. Already पहले उनके पास कार है. God give them a house. परमेश्वर आप उनको घर दो. They got a four bedroom house. और उनको four bedroom घर पहले ही है. What do you pray? क्या प्रार्थना करोगे? Pray for business doing well. व्यवस्था व्यवस्था तो पहले ही. What do you pray? आप क्या प्रार्थना करोगे? Your human mind runs out of good ideas. आपके मानवीय दिमाग जो है अच्छे विचार खाली हो जाते हैं. But thank God for the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो. Somebody say I receive. Hallelujah. मैं प्राप्त करता हूं. So we were praying and the Holy Spirit just said, lay hands on the man. और उनमें उन पर हमने हाथ रखे. And tell the man. और उस व्यक्ति से कहा. I see you standing in Rome. और मैं देखता हूँ कि. Am I right, sir? I see you standing in Rome. R-O-M-E, Rome. Italy. और रोम में तू खड़ा है इस बात को मैं देख रहा. And I see you standing near the Colosseum. और कोलोसियम के यहाँ पर मैं खड़ा हुआ तुम्हें देख रहा हूँ. And you're taking a photograph of your wife. और अपनी पत्नी का फोटोग्राफ आप ले रहे हो. Because God says. क्योंकि परमेश्वर कहता है. I am sending you on a vacation. और मैं एक छुट्टी में तुझे भेज रहा हूँ. Wait. Both the husband and wife start crying. दोनों पति पत्नी रोने लगे. They go down on their knees. और वे अपने घुटने पर आ गए. And said, "This is God speaking." उन्होंने कहा ये परमेश्वर बात कर रहा है. Because how many days before? One day. One day before they called up this guy and says, "What do you think about Rome?" एक दिन के पहले उन्होंने फोन किया और पूछा कि रोम के बारे में क्या सोच रहा है. रुको जरा. What do you think about Rome? रोम के बारे में क्या विचार है तुम्हारा? It's okay, okay. Now this guy doesn't tell me. I don't know anything. And the Holy Spirit tells them, "You need to take a vacation because a vacation is pending." And they again start crying because for 5 years they never took a vacation. God idea. God will speak to you. Touch somebody and shout a hallelujah. Hallelujah. Thank God. Are you with me? क्या आप मेरे साथ हो सुन रहे हो? So when you get into the word, तो इसलिए जब आप वचन में जाते हो, it's profitable. तो ये लाभदायक है. Hey, touch your neighbor and say, अपने बगल वाले को छुए और कहें. गधा और घोड़ा होता पता ना? ऐसा मत बैठो. Be wise this year. ऐसा बैठे ना? गाड़ी निकल जाएगी वहां. लोग शरीर से यहां पर बैठे, आत्मा घूम रही भटकते हुए. कई लोग शरीर नहीं से विचार खूब फिरता है. हाँ बरोबर बोल रहे. 20 साल बाद लुक एट एन एबल स्माइल. ओके अपने बगल वाले की मुस्कुराहट देखें. अगर स्माइल नहीं दे रहे समझो घूम रहे बाहर. I was a teacher. और मैं टीचर था. Hello, are you there? क्या आप सुन रहे हो? Some children in class. और क्लास में कुछ बच्चे. They are not attentive. They are gone out. और उनका ध्यान नहीं लगा रहे. वो खो चुके हैं कहीं. उनका आँख एकदम हिलता भी नहीं है. उनके आँख भी नहीं हिल रही है. वो चले बाहर के ग्राउंड हो रहे थे. Second Timothy chapter 3. Here we go. दूसरा तिमोथी तीसरा अध्याय. She says. और वो कहता है. इसे स्क्रिप्चर इज प्रॉफिटेबल. एवरीवन से प्रॉफिटेबल. सब जन कहे लाभदायक. नाउ लेट्स गो फॉर फॉर व्हाट. किस बात के लिए? द फर्स्ट वन. पहली बात. इट्स प्रॉफिटेबल फॉर इंस्ट्रक्शन. और समझाने के लिए. एवरीवन से इंस्ट्रक्शन. सब जन बोले. फर्स्ट वन. इट्स प्रॉफिटेबल फॉर व्हाट. इंस्ट्रक्शन. और किस बात के लिए लाभदायक है? समझाने के लिए. सेकंड. दूसरा. इट्स प्रॉफिटेबल फॉर रिप्रूफ एंड कन्विक्शन ऑफ सिन. और सुधारने के लिए और धर्म की शिक्षा के लिए. फॉर करेक्शन ऑफ एरर. और जो है सुधारने के लिए. एंड डिसिप्लिन इन ओबीडियंस. और उपदेश में और अनुशासन होने के लिए. सम पीपल ना दे नेवर टेक करेक्शन फ्रॉम एनीबडी. कुछ लोग जो है दूसरों से सुधारना बिल्कुल नहीं लेते. नहीं मुझे मत सुधार. बट द वर्ड विल करेक्ट यू. लेकिन वचन आपको सुधारेगा. How many listening right now? कितने जन सुन रहे हैं? See, before we come to this service, देखिए हम सभा में आने से पहले. Some people spend so much time before the mirror. कुछ लोगों ने आईने के सामने बहुत सारा समय बिताया. Because the mirror corrects you. क्योंकि वो आईना आपको सुधारता है. हिंदी में कहावत है आईना झूठ नहीं बोलता. सब लोग झूठ बोलेंगे. कोई कोई सिस्टर्स लोग बोलते मैं कैसे दिखती हूँ? क्या मिरर में नहीं देखा क्या तू कैसा दिखता? They want appreciation. Don't fall for appreciation. आईना कभी झूठ नहीं बोलता. खुदा का वचन आईना है. आईना कभी झूठ नहीं बोलता. आरसा कभी उस खोटा बोलत नहीं. देवाचा वचन असा आरसा है. Who you are? It will reveal who you are. और जो भी आप हो उस बात को वो आपको प्रकट करेगा. You're a man who's a manipulator. God's word will expose you. और ऐसे व्यक्ति अगर यदि आप भ्रष्ट हो तो परमेश्वर का वचन आपको प्रकट करेगा. If you're an adulterer, God's word will expose you. Hey, you living in this. If you are like this,
God's word will expose you. यदि आप टेढ़े मेढ़े हैं तो परमेश्वर का वचन उस बात को आपको प्रकट कर दिखाएगा. You don't have to go and ask, मैं कैसा हूं, अच्छा हूं ना? आपको जाकर बहुत अच्छे. God's word will tell you the truth. परमेश्वर का वचन आपको सत्य बताएगा. Are you with me? क्या मेरे साथ सुन रहे हो? You don't take correction from your wife. You don't take correction from your boss. You don't take correction from anyone. But God's word will correct you. आप अपनी पत्नी जो आपको सुधारती है उस बात को आप नहीं लेते, आपका बॉस जो कहता है उस सुधारना को आप नहीं लेते, लेकिन परमेश्वर का वचन आपको सुधारेगा. थर्ड थिंग सेज फॉर करेक्शन ऑफ एरर. माय फ्रेंड, व्हेन यू गेट इनटू द वर्ड, यू नो डेविड वाज गांव का छोकरा. हेलो, भेड़ चला गांव का छोकरा. यू नॉट कम विद मी टू इजराइल, यू मस्ट इन दिस ईयर. गांव का छोकरा, वेट अ मिनट. You take that gaon ka chokra and you put him in a 5-star. How? Just think what I'm saying. He must be walking. You know a person where he's come from. देखिए वो व्यक्ति कहां से आता है इस बात को आपको पता चल जाएगा. Dragging his feet, चप्पल लगे हैं और उसके वो इसके कदम ऐसे चल रहे हैं. कुटुन आला भाव गाव और अगाव और माइट पढ़ते तो लगभग उस माइट पढ़ते. But David, he knew something. लेकिन दाऊद को जानता था. He said, और उसने कहा, Your word of God, और तेरा परमेश्वर है प्रभु, तेरा वचन, makes me wiser than my enemies. मुझे मेरे शत्रुओं से भी बुद्धिमान बनाता. The word will train you, hallelujah. और वचन आपको बदल देगा. The word will correct you. वचन आपको सुधारेगा. The word will convict you. वचन आपको पश्चाताप करेगा. And it will make you number one, hallelujah. Somebody shout a hallelujah. Hallelujah, चिल्लाए. Are you with me so far? क्या आप मेरे साथ हो? हम लोग क्या सोचते हैं ना, एक्सपीरियंस विल मेक यू वाइजर. एक्सपीरियंस इज यू मेक मिस्टेक्स एंड यू लर्न. दैट्स अ वेरी बैड वे ऑफ लर्निंग. यू फॉल, यू गेट अप एंड से अभी अच्छा खड्डा है क्या, ऑलरेडी तेरी टंग टूट गई. अनुभव आपको सिखाता है ऐसा कहते हैं, लेकिन नहीं, अनुभव कई गलतियां करके कई बार हम गिर जाते हैं उसके बाद. एक्सपीरियंस इज यू मेक द मिस्टेक एंड यू लर्न. अनुभव किसको कहते हैं? जब आप गलतियां करते हैं बहुत सारे, उसके बाद आप कुछ सीखते हो. हम नहीं लिसन. कितने जन सुन रहे हैं? But revelation. लेकिन प्रगटीकरण. Paul learnt many things. Apostle Paul, he was not there at the Last Supper, but he says, "What I received, I gave to you." Excuse me, Paul, you are not there on the Last Supper. How you are writing about the Last Supper? Paul says, "Hey, Peter, Peter, सब तुम लोग घूम के आया Jesus के साथ. मैं तुम्हारे बाद आया, तुम्हारे आगे गया." अपने बगल वाले से कहा, The word will put you ahead. Hallelujah. वचन आपको आगे की ओर रखेगा. Your father was living in a small hut. I prophesy, you will go to a 2-bedroom flat. In the name of Jesus, receive. Hallelujah. अब बड़े घर में जाओगे. प्राप्त करो यीशु. You will have houses. कई घर आपके होंगे. In the name of Jesus, यीशु के नाम से. Somebody lift your hand and say, I receive. In Jesus' name. प्राप्त करता हूँ यीशु के नाम. Your father didn't have a cycle. May you have cars in Jesus' name. आपके पिता के पास साइकिल नहीं होगी, लेकिन आपके पास कई गाड़ियाँ होगी यीशु के. Don't feel shy of your neighbor. अपने बगल वाले के बारे में आप शर्मिंदा ना हो. तेरा नेबर आके बोलेगा, लिफ्ट देते क्या मेरे को? और आपका बगल वाला कहेगा, my words. और मेरा वचन को आप देख सुन लो. In Jesus name. यीशु के नाम से. You know, कोई कोई लोग नेबर लोग कैसे? काइक लोग. Stand, keep standing. आप खड़े रहें. You know, some neighbors, you know, और कुछ बगल वाले ऐसे बोलते हैं, नहीं मैं प्राप्त करता हूं. अगर प्रभु का वचन आता है, you have to learn to receive the word. अगर परमेश्वर का वचन आता है तो आपको प्राप्त करना सीखना चाहिए, आना चाहिए. Hallelujah. Somebody lift your hand and say, I receive the word. अपने हाथ को उठा कर यीशु के नाम से इस वचन को प्राप्त करता हूं. Your attitude towards the word will determine your altitude. Hallelujah. वचन के प्रति आपका रवैया आपका जो है आशीर्वाद निर्धारित करेगा. Sit down. बैठ जाए. Correction of error and discipline in obedience. And the last one, the fourth is for training in righteousness. Everyone said training. Or subject ka prashikshan. Many people say, Mala kon train karat nahi hai, train kar. The word will train you. You have to get into the word. Aapko kon train karega? Aapko vachan mein jana hoga. So the four things. Aur chauthi baat. Fourth thing is training in righteousness. What is training in righteousness? Dharmikta ki shiksha. Holy living. धार्मिकता की शिक्षा का मतलब क्या? पवित्रता का जीवन. कंफॉर्मिटी टू गॉड्स विल इन थॉट, इन पर्पस एंड एक्शन.
विचारों में, उद्देश्य में और क्रिया में परमेश्वर के सुदर्श हो जाना. So the Lord will train you. जितना ज्यादा अपने आप को प्रशिक्षण देते हैं. Training in righteousness. और धार्मिकता में प्रशिक्षण. Holy living. पवित्रता का जीवन. Are you there? क्या आप सुन रहे हो? It's very important. और ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है. I want to talk to the youngsters and not only to all. I want to talk to you all. You need to be a holy man of God. You need to be a holy woman of God. आपको परमेश्वर का पवित्र जन, पवित्र स्त्री, पवित्र पुरुष होकर रहना होगा. कमल कीचड़ में रहता है लेकिन वो कीचड़ से ऊपर रहता है. हालेलुया. मैं परमेश्वर के संतान हूं. जीसस सेड यू आर इन द वर्ल्ड. यीशु ने कहा तुम संसार में तो हो बट नॉट ऑफ द वर्ल्ड. लेकिन संसार के नहीं हो. Are you with me, church? क्या मेरे साथ सुन रहे हो कलीसिया? Don't be like those people. उन लोगों के जैसे आप न रहो. You cannot influence them then. आप उनको प्रभावित नहीं कर सकते. बाजू वाले को बोलो तुम हटके हो. अपने बागल वाले से कहें आप हटके हो. इसलिए तो तुम्हारा वैल्यू बढ़ेगा भाई. Amen. If diamonds were found outside your compound, you think you'd wear it in your neck? No, you put it as your soul. यदि हीरा आपके कंपाउंड के बाहर मिलता तो आपको क्या लगता आप गले में पहनते? हीरा हट के है इसलिए आप उसे, क्योंकि हीरा जो है हट के है इसलिए आप उसे गले लगाते. People will wear you around your neck. Hallelujah. और लोग आपको अपने गले की और. In the name of Jesus, I speak it over your life. नाम से इस वचन को आप पर मैं कहता हूँ. Hallelujah. Hallelujah. I want to talk to the sisters. If any man comes to you and say, "Sleep with me," show me your love. Tell the fellow, "Get lost, sweetie." Check. Are you with me? क्या मेरे साथ हो? सुन रहे हो? No. Holy living, training in righteousness. पवित्रता का जीवन, धार्मिकता में शिक्षा. I want to talk to youngsters. I want to talk to youngsters. मैं जवानों से बात कर रहा हूँ. Holy living. पवित्रता का जीवन. Training in righteousness. धार्मिकता में शिक्षा. The word will teach you that. वचन आपको ये बात सिखाएगा. Go to verse 17 quickly. You know, even I'm also talking to the elders. और मैं बुजुर्गों से भी बात कर रहा हूँ. सोचो मत नौजवान ही हिलते डुलते हैं. बुजुर्ग लोग ज्यादा बहते हैं. And they pretend, verse 17. 17 वचन. Now why the four things? क्यों ये चार बातें? So that the man of God, so that the woman of God, ताकि परमेश्वर का जन, परमेश्वर की स्त्री, प्रभु का पुरुष, may be complete, वो पूर्णता से सिद्ध बने, and proficient, और तत्पर हो जाएं, well fitted. I like this. This is like mechanical. Well fitted. Tell your neighbor, I'm well fitted. अपने बगल वाले से बने मैं भले काम में तत्पर हूँ. गाड़ी निकालेगा तो रिवर्स में डाले तो खिड़की हिलता. गड़ 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 गड़. क्या गाड़ी है? मर्सिडीज से लेकिन पूरा हिलता है, वाइब्रेट होता है. Tell your neighbor, well fitted. अपने बगलवाल से कहे तत्पर. I like this. Say, lift your hand and say, I'm well fitted. और बोलिए मैं बहुत ही तत्पर हूँ, पूर्णता से सिद्ध हूँ. Put it. Everyone says so that the man of God. सब जन कहे ताकि परमेश्वर का जन. The woman of God may be first four things over here. Look at this. चार बातें हैं. Complete, proficient, well fitted, and thoroughly equipped for every good work. Hallelujah. हर एक भले काम के लिए पूर्णता से वो तत्पर हो, पूर्णता से चौका हो, पूर्णता से उस बात में वो निपुण हो. Hey, listen to this. सुनिए इस बात को. Some sister says, in 2018 I'm getting married. Hey, you are well fitted, equipped for your marriage now. Hallelujah. Hallelujah. Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं? Brother, I'm starting a business. Don't worry. और मैं व्यवसाय की शुरुआत कर रहा हूँ भाई, चिंता ना करें. Proficient, equipped, well fitted. For every good work. आपके पेशेवर काम में हर एक भले काम के आप पूर्णता से निपुण हो, तत्पर हो, सक्षम हो. One book और एक किताब prepares you आपको तैयार करती है every good work हर एक भले काम के लिए. My God, I'm telling you, church. मैं आपको कहता हूँ कलीसिया, one book एक किताब prepares you for everything आपको हर एक बात के लिए तैयार करती है. Are you getting me? क्या आपको प्राप्त हो रहा है? You're starting a business, get into the word. आप व्यवसाय की शुरुआत करें तो वचन में जाओ. Yes. सुनिए, मेडिटेट, अध्ययन करें. You getting into marriage, get into the word. आप शादी करने जा रहे हो तो पहले वचन में जाओ. You're starting a new career, एक नई करियर की शुरुआत करें, वचन में जाओ. You are well fitted, equipped for every good work. हर एक भले काम करने के लिए आप निपुण हो, तत्पर हो, सक्षम हो. Lift your hand and say, Holy अपने हाथ को उठाकर कहें, पवित्र आत्मा, give me grace. मुझे अनुग्रह दीजिए.
Come on, say that. Boliye. Holy Spirit, give me grace. पवित्र आत्मा मुझे अनुग्रह दीजिए. To read your word, to study your word. वचन को पढ़ने के लिए, वचन का अध्ययन करने के लिए. Daily. रात और दिन. God's people said, Amen. प्रभु के लोग कहे, Amen. You know, if you want to be complete, thoroughly equipped, proficient, well-fitted for every good work, the source of it all is God's word. देखिए यदि हर एक भले काम के लिए आप निरपुण होना है, तत्पर होना है, सक्षम होना है, तो उसका आधार परमेश्वर का वचन होना चाहिए. The source of that preparation, everyone say preparation. उस तैयारी का जो तैयारी की बात हर जन कहे तैयारी. Is scripture. वो वचन है. You want to be a good pastor? Get into the word. वचन में जाना वचन को पढ़ना. You want to be a good servant of God. आप अच्छे परमेश्वर के दास होना चाहते हो सहकर्मी. You want to be a good businessman. आप बहुत ही अच्छे व्यवसायी होना चाहते हो. Get into the word. परमेश्वर के वचन में जाइए. How many listening right now? कितने जन सुन रहे हो. Church. कलीसिया. Today's message is from the Lord, and of course, every message that I preach. आज का संदेश परमेश्वर की ओर से और हाँ हर एक संदेश परमेश्वर की ओर से ही मैं बताता हूँ. Don't cry today, say, "Oh, what's going to happen to me?" ऐसा मत पुकारो चिल्लाओ और मेरा क्या होगा. You don't know what's going to happen at 9:30, so don't worry. Good is going to happen to you. Yes.